नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे, सीखेंगे इसमें वीडियो में कि आप यदि कोई वीडियो में या कोई आपके सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, डिजिटल सिग्नेचर, जैसा कि आपके पास कभी सिग्नेचर करके रखते हैं और वो आपके कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या कहीं पे आपको ज़रूरी पड़ती है आपको सिग्नेचर की, वहाँ अटेस्ट करने होते हैं PDF में या फाइल में या कहीं सबमिट करना है कोई फॉर्म भरते टाइम पे, ये कहीं पे भी आपकी सिग्नेचर ज़रूरत पड़ती है डिजिटल एक सिग्नेचर की, तब आपको आप पहले करते क्या है कि कोई भी पेपर लेते हैं, वाइट पेपर, उसमें सिग्नेचर करते हैं, उसका फ़ोटो खींच करके फिर अपलोड करते हैं। लेकिन वो चीज़ अब वो प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब आप ये जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ आपको सिग्नेचर अपने मोबाइल पर जिस तरह से सिग्नेचर करते हैं उसी तरह से मोबाइल पर आपको मूवमेंट करना है। यदि लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो आपको माउस से उसी तरह से मूवमेंट करना है अपने माउस को, कर्सर को, तो वो सिग्नेचर उस तरह से बना हुआ मिल जाएगा आपको और जस्ट 5 से 7 सेकंड में अपलोड हो जाता है। मतलब आपको सेव कर सकते हैं ये फाइल सिग्नेचर करने के बाद PGF जो PGP में। तो मैं वही वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कहीं कहीं बहुत सारे जगह पर आपको ज़रूरत पड़ती है सिग्नेचर की और आप यही करते हैं कि पेन निकाले, पेपर पे फिर साइन किए, फिर फ़ोटो खींचे, फिर वो अपलोड किए, फिर क्रॉप करते हैं आप उस फोटो को, तो ये सारे प्रोसेस आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ सिग्नेचर ही आ जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर जिस तरह से होती है वो ट्रांसपेरेंस होती है, मतलब आपको ये नहीं कि बैकग्राउंड आपका वाइट रहेगा ब्लू रहेगा, वैसे नहीं, आपको जहाँ पे वो सिग्नेचर पुट आउट करना है रखना है वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, मैं वो प्रोसेस बताने जा रहा था कि फर्स्ट आपको गूगल में सर्च करना है साइन विल, SIGNWELL, साइन विल। जैसे आप सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं क्रोम पे ये फर्स्ट गूगल में आपका ये आ चुका है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है फ्री ऑनलाइन सिग्नेचर मेकर, आपको डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करना है, फ्री ऑनलाइन सिग्नेचर मेकर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन होकर आ जाएगा, मतलब इसमें है कि आप तो ड्रा सिग्नेचर कर सकते हैं, सिग्नेचर को जैसे आप मूवमेंट, जैसे मैंने बताया कि आप अपने फ़ोन पे सिग्नेचर ऐसे ऐसे मूवमेंट करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप यदि माउस या माउस से भी मूवमेंट करके आप सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे है टाइप सिग्नेचर, मैं पहले ड्रॉ सिग्नेचर पे जाता हूँ कि यहाँ पे आपको फ़ोन के स्क्रीन पे जिस तरह से साइन करते हैं उस तरह से हाथों से उंगली से उसे मूवमेंट करना पड़ेगा, उस तरह से वो डिटेक्ट हो जाएगा आपका सिग्नेचर। तो जैसे ही ड्रॉ सिग्नेचर पे आप क्लिक करते हैं आपके पास ये बना हुआ आ जाएगा, एक विंडो एक आ जाएगा जिसमें लिखा होगा ड्रॉ योर सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर, मैंने ये सिग्नेचर किया है कोर ज्ञान से, जैसे सिग्नेचर किया यहाँ पे आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब कलर भी चूज़ कर सकते हैं। आपको कलर जैसे ही आपको लगता है कि हाँ ये सिग्नेचर सही है आप इस पर सेव पे क्लिक कर देंगे, जैसे सेव पे क्लिक करेंगे JPG फाइल जो इमेज फाइल है वो आपके सेव हो जाएंगे। अब यदि आपको लगता है कि आपको सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, आपने कभी किया नहीं है सिग्नेचर, आपको किस तरह से सिग्नेचर करना चाहिए, तो उसके लिए ये मैंने ये बताया था ऑप्शन कि आपको ये करना क्या है कि आपको ये टाइप सिग्नेचर पे ही क्लिक करना है। जैसे ही टाइप सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं आप अपना नाम आपको यहाँ पे इंटर करने आ जाएगा, टाइप योर सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, मैंने कोर ज्ञान डाला अपने चैनल का नाम और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा आपके पास ऑप्शंस बने हुए आ जाते हैं, लोड अपलोड जो लिखा हुआ है ना लोड मोड, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बहुत सारा कम से कम 100 से ज़्यादा ही आपके सिग्नेचर इस तरह जो आप नाम लिखते हैं उसी तरह से आपका ये बना हुआ आ जाएगा। मतलब अलग अलग डिज़ाइन में आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नेचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने ये सिग्नेचर को सिलेक्ट किया है फाइल जो फर्स्ट है आपका, और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कोर ज्ञान। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते हैं और आपको ये जो साइंट है ये आपको आप मोमेंट जो आपका जो थोड़ा सा डायगोनली जो दिख रहा है ना ये ज़्यादा हो जाएगा यदि आप मैक्स साइन पे करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, कलर चेंज कर सकते हैं, कलर को आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं कौन से कलर में सिग्नेचर, बट बेसिकली तो ब्लैक कलर में ही सिग्नेचर को यूज किया जाता है, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर को ही चूज़ किया है। अब इस पर आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी इमेज फाइल आपके सेव होकर के आ जाएंगे। तो ये रहा फ्रेंड, मतलब बहुत जगह आपको यूज़ भी होता है सिग्नेचर का, आपको वही मैंने प्रोसेस बताया कि आपको पेपर पेन पे निकाल करके फिर फ़ोटो इमेज क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद आपको वो फ़ोटो को क्रॉप करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इतने JPG में, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर जो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट में यूज़ होते हैं या PDF फाइल आप बना रहे हैं वहाँ पे भी PDF फाइल में भी सिग्नेचर की ज़रूरत है,
या कहीं कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ऑनलाइन भर रहे हैं, या कोई सरकारी दस्तावेज की प्रोसेस में आप यूज़ है आपका वो आपका सिग्नेचर, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो प्रोसेस मैंने बताया पेपर वाला पेन वाला वो होता है। बट यहाँ पे है कि आपको कोई पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है, आप ये टाइप करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपको सिग्नेचर किस तरह का यूज करना है। यदि फर्स्ट टाइम सिग्नेचर यूज़ कर रहे हैं तो, या पहले आपका सिग्नेचर चल रहा था और वही सिग्नेचर आप चलाना चाह रहे हैं, तो ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो बहुत ही इजी ये प्रोसेस है, 5 से 7 सेकंड लगते हैं आपको करने में, बस आपको साइन वेल पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको सिग्नेचर, ये मैंने बताया था फ्री ऑनलाइन सिग्नेचर मेकर पे क्लिक करना है फ्रेंड। जैसे क्लिक करते हैं आपके पास विंडो ओपन हो जाता है, सिग्नेचर करें, इमेज डाउनलोड करें, हो गया ये काम आपका। तो फ्रेंड ये हमारा वीडियो आपके लिए ही था कि सिग्नेचर का आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा जो मैंने आपके लिए बनाया था, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें इस तरह के वीडियो को, ताकि उनको ये अवेयर हो सके इस चीज़ को लेकर के। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।